Hey girls, hi, welcome or welcome back to my channel. So in this video, I'm going to share with you huge makeup kit. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइमर से। प्राइमर के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो एलोवेरा जेल, जो कि 70 रुपीज़ के अंडर आपको मिल जाता है। मेरे पास छोटा वाला भी है और बड़ा वाला भी, इसलिए मैं आपको दोनों दिखा रही हूँ। आपको जौन सा सही लगे आप वो ले सकते हो। और इसको अप्लाई करने के बाद आपको ना एक स्मूथ सरफेस मिल जाता है फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। और नेक्स्ट जो है वो है इनसाइड का प्राइमर, 3-in-1 प्राइमर, और ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ऑयल फ्री रहता है। और इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, इसके प्राइस जो है 235 से आपको 250 के अंडर आपको मिल जाता है ये। इसको अप्लाई करने के बाद आपको ना एक ब्लरी इफेक्ट मिलेगा, आपके जितने भी ओपन पोर्स होंगे उनको श्रिंक कर देगा, उनको लॉक कर देगा। एकदम स्मूथ सरफेस मिल जाता है आपको अपना फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। एंड नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है लैक्मे का फाउंडेशन, जो कि हमें मिल जाता है 375 रुपीज़ के अंदर। और सबसे अच्छी बात इसमें ये रहती है कि इसमें आपको अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेटर मिलता है, यस, जिससे कि हमारा फाउंडेशन ना काफ़ी ईजिली निकल जाता है। और ये जो फाउंडेशन है ये प्राइमर प्लस मैट फिनिश फाउंडेशन है, तो जितना भी आपके फेस पे ऑयल रहता है ये फाउंडेशन उस ऑयल को कंट्रोल करता है। एंड नेक्स्ट जो है वो है मेरे फिटमी फाउंडेशन, जिसमें कि एक लेस पॉइंट है इसका कि इसमें ना आपको एप्लीकेटर नहीं मिलता है, सो उसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट अब जो नए आ रहे हैं उनके अंदर पम्प इसमें आपको मिल जाएगा। एंड इसका जो प्राइस रहता है वो 400 रुपीज़ के अंडर आपको मिल जाता है। अगर आपको फाउंडेशन लगाना नहीं पसंद, हैवी नहीं पसंद, तो आप लोग सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हो लैक्मे का, जो कि इस क्रीम का प्राइस है 288 रुपीज़। इसमें एक छोटा वाला भी आता है, आप लोग वो भी बाय कर सकते हो। इसको अप्लाई करने के बाद ना आपको एक ग्लो मिलता है अपने फेस पे, इंस्टेंट ग्लो, और हैवी नहीं लगता, बिल्कुल भी केकी नहीं लगता। अगर आपको डे टाइम में कहीं जाना है तो आपने ये अप्लाई करा, दैट्स इट। और फाउंडेशन के बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंसीलर्स की। एंड दिस इज़ द ओलिविया कंसीलर, जो कि हमें 150 की रेंज में मिल जाता है, और इसका कवरेज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो कंसीलर में सबसे ज़्यादा बेस्ट जो कंसीलर है वो है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, यस। इससे ज़्यादा बेस्ट कंसीलर अभी तक मैंने इस प्राइस में नहीं देखा है। ये जो कंसीलर है इस प्राइस मतलब बेस्ट कंसीलर है। अगर आप लिक्विड कंसीलर लेना चाहते हो तो आप गो फॉर इट, दिस इज़ द अमेजिंग कंसीलर। एंड इसका जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। एंड नेक्स्ट जो है मेरे पास स्विस ब्यूटी का ही डार्क शेड में है, दिस इज़ द शेड नंबर 01। सो इसको मैं समटाइम्स मिक्स एंड मैच करके अप्लाई कर लेती हूँ। इसमें मेरे पास 2 शेड्स में है, आई होप सो कि मैं आपको शेड दिखा पाऊँ। एंड जो नेक्स्ट कंसीलर है वो है एली गर्ल का, जो कि हमें 200 रुपीज़ की रेंज में ही मिल जाता है, और उसका कवरेज भी मतलब मीडियम कवरेज है इसका। एंड नेक्स्ट कंसीलर जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, लाइक 90 रुपीज़ में आपको कंसीलर मिल रहा है, लाइक वाओ। 90 रुपीज़ में आपको ये स्टिक मिल जाती है, जो कि क्रीमी फॉर्म में है, और ये ब्लेंड भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। सो ये NYB के हैं, एंड नेक्स्ट जो है ये भी NYB का ही ऑरेंज कलर करेक्टर है। इससे आप अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर सकते हो।
एंड इसके ऊपर आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी क्रीमी फॉर्म में आपको मिलता है। एंड कंसीलर्स के बाद हम बात कर लेते हैं अपने कॉम्पैक्ट की। तो कॉम्पैक्ट के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप फिटमी का कॉम्पैक्ट बाय करें। फिटमी के जो कॉम्पैक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर। अगर आपको नहीं पता कि लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट कैसे अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं, तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग कॉमेंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो मैं उसके लिए ज़रूर बनाऊँगी। एंड नेक्स्ट जो है वो है ब्लश, जो कि ब्लू हेवन का है और ये 90 रुपीज़ के अंडर हमें मिल जाता है। इस ब्लश को लगाने के बाद आपको कोई भी हाइलाइटर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इसमें आपको हाइलाइटर प्लस ब्लश दोनों मिल जाते हैं। इसको आप एज अ आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो शेड है वो है मेरा 503 डायमंड। एंड नेक्स्ट जो है वो हाइलाइटर है, जो कि मैंने लोकल मार्केट से बाय करा था। सो इसका लिंक मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, सॉरी। दिस इज सो पिगमेंटेड गाइज, सो पिगमेंटेड। इंस्टेंट ग्लो। एंड नेक्स्ट जो है दिस इज दिफ माई फेवरेट आई शेडो पैलेट, येस स्विस ब्यूटी की अल्टीमेट आई शेडो पैलेट, जो कि आपको इतने ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में वो भी इतने पॉपअप कलर्स के साथ मिल जाता है। इन सब के कलर स्वाचेस मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक कितने ज़्यादा वाइब्रेंट और कितने ज़्यादा अच्छे कलर्स हैं। वन स्वाइप में ही आपको इतना अच्छा कलर मिल रहा है। और इस पैलेट में ना कई सारे अलग अलग कलर्स भी आते हैं, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो और इसको बाय कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है मार्स की आई शेडो पैलेट, जो कि 300 रुपीज़ की रेंज में मिल जाती है। और इसमें ना काफ़ी सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं, आई थिंक 36 कलर्स हैं इसके अंदर, मैंने काउंट नहीं करे हैं बट। एंड इसके शिमर शेड्स जो हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, कितने ज़्यादा पिगमेंटेड है, लाइक वाओ सी। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपनी ब्राउज को फिल करने के लिए एक अच्छा आईब्रो पेंसिल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। ये है स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल, जो कि एक ब्राउन शेड में है। आपको ब्लैक यूज़ नहीं करना होता है, ब्राउन, ऑलवेज ब्राउन। इसका जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ है। 60 रुपीज़ के अंदर आपको काफ़ी अच्छा आईब्रो पेंसिल मिल जाती है और इसके अंदर एक आपको ब्रश मिल जाता है अपनी ब्राउज को कॉम करने के लिए। एंड नेक्स्ट जो है वो है मेरे पास मेबलिन का आईलाइनर, जो कि जेट ब्लैक, लाइक जेट ब्लैक लाइनर, काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है और काफ़ी अच्छा है। एंड नेक्स्ट जो है वो है NY Bay का आईलाइनर, जो कि 100 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाता है। एंड नेक्स्ट जो है वो है काजल ब्लू हेवन का और एक है Elle 18 का। Elle 18 का काजल आई थिंक 90 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा और ब्लू हेवन का 120 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा आराम से। ये लगाने के बाद काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी देर तक 4 to 5 hours चल जाता है, ये आइज़ में फैलता नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट जो है वो है क्लॉसिल मेबलिन का क्लॉसिल मस्कारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा मस्कारा है। एंड इसका जो प्राइस रहता है वो है 450 रुपीज़। इसको अप्लाई करने के बाद आपको कोई भी फॉल्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आपकी लैशेस में ना एक वॉल्यूम क्रिएट कर देता है अप्लाई करने के बाद। एंड अपने लैशेस को कर्ल करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो ये गब का आई लैश कर्लर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड इसका जो प्राइस रहता है वो है 150 रुपीज़। एंड दिस इज़ द लिप लाइनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, लाइक 49 रुपीज़ में आपको मिल जाता है स्विस ब्यूटी का। ये आपको लोकल मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा।
एंड नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मी ऑन की लिपस्टिक्स, जो कि मेरी फेवरेट हैं। ये काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्ट करती हैं, लाइक मेरे लिप्स पे तो ये 6 to 7 hours तक काफ़ी अच्छे से चल जाती हैं। ये वाला जो शेड है वो है ट्रू ब्राउन। एंड नेक्स्ट जो है दिस इज द प्योर रेड वाइब्रेंट कलर, जो कि NYBA का है। एंड नेक्स्ट जो है दिस इज द पर्पल शेड, ये ब्लू हेवन का है एंड इसका जो प्राइस है वो आई थिंक 300 rupees के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है स्विस ब्यूटी का शेड है ये, इसका शेड नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मुझे अभी याद नहीं है। एंड जो अपने फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए आप लोग यूज करोगे वो आप यूज कर सकते हो ये पर्पल का ब्यूटी ब्लेंडर, इसमें आपको एक स्टैंड भी मिल जाता है इसको रखने के लिए। एंड जो नेक्स्ट है वो है मेकअप फिक्सर, जो कि स्विस ब्यूटी का है। ये आपके मेकअप को बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्ट करता है एंड इसका जो प्राइस है 199 rupees में आपको ये मिल जाता है। एंड मेकअप तो आपने अप्लाई कर लिया, उसको क्लीन करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये NYBA के मेकअप रिमूवर्स, जो कि 81 rupees में, लाइक 81 rupees में ही आपको मिल जाते हैं और ये वन स्वाइप में इतना अच्छा मेकअप क्लीन कर देते हैं, लाइक सी कितने अच्छे से इसने मेरे मेकअप को जो भी था वो सब क्लीन कर दिया है। तो आप लोग ये बाय कर सकते हो एंड 25 wipes के अंदर आपको मिल जाते हैं। If you like it, please like and subscribe to my channel. Bye-bye.